हेलो व्यूअर्स, आज मैं आई हूँ सरोजिनी नगर मार्केट। आज लेकिन आज है मंडे, तो अगर आपको पहले एक बार आने के लिए थोड़ी सी डायरेक्शन मैं बता दूँ, यहाँ पे पिंक लाइन जो है बिल्कुल डायरेक्ट आती है। अगर आप येलो लाइन से आ रहे हैं तो आपको INA से चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर आप सरोजिनी नगर उतरते ही गेट नंबर 1 से बाहर आइए, और सामने चलते ही आपको जो बैरिंग लगे हुए हैं उसके जस्ट अपोजिट वॉल पे वेलकम टू सरोजिनी नगर का बोर्ड लगा हुआ नजर आ जाएगा। और सड़क क्रॉस करते ही यहाँ पे सरोजिनी नगर मार्केट स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से आप गेट नंबर 3 से एंट्री करते हैं। तो चलिए, अगर आप सरोजिनी नगर में जैसे ही एंटर करते हैं आपको ये कुर्ती का स्टॉल लगा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ पर कुर्ती की जो कॉस्ट है 150 रुपीज़ ईच है। कुछ पैटर्न में आपको दिखाए हैं मैंने, और काफ़ी कलरफुल कुर्तियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनका फैब्रिक जो है वो कॉटन का है। इन भैया के पास 200 के प्लाजो थे, और अभी जो भी मैं आपको स्टॉल दिखा रही हूँ जो मेन मार्केट है उन्हीं के बाहर जो स्टॉल लगे हुए हैं वही आपको दिखा रही हूँ मैं। ये जो भैया है इनके पास जो भी शॉर्ट है टॉप है उन सब की जो कॉस्ट है 100 रुपीज़ ईच है। ये ब्लू स्टार फैशनिस्ट के अपोजिट बैठे हुए हैं, और ये आपको 7 डेज वहाँ पर मिल जाएंगे। और इनके पास जो टॉप थे उनकी ज़्यादातर की लेंथ जो थी वो शॉर्ट थी, और नेट में ज़्यादा अवेलेबल थे इनके पास। और इन भैया के पास जितने भी स्लीपर्स थे, बैलीस थी और शूज़ वगैरह थे, इन सब की जो कॉस्ट 200 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से ये दे रहे थे। भैया कितने का दिया ये फिलर कुशन? कुशन कितने का दिया? हाँ 350 रुपए के बता रहे, 350 550। क्या साइज है ये? 16x16 16x16। और जो से बड़ा वाला होता है इससे वाला इतना बड़ा आएगा 24x24। नहीं ये 16x16। कितने के बताइए? 350। दोनों में फर्क क्या भैया? 800। अंदर क्या फाइबर भरा हुआ है? फाइबर कहाँ? इसके अंदर फिलिंग किस चीज की है? फाइबर है क्वालिटी। और इन भैया के पास जो ज्वेलरी की काफी अच्छी वैरायटी थी, ये जो नेकपीस आप देख रहे हैं इनकी कॉस्ट 200 रुपीज थी, और इनके पास कई तरह के इयररिंग्स थे। और जो इनका फर्स्ट स्टॉल था वो 50 रुपीज़ का था सारा, और उसके बाद इनके पास 100 से लेके 150 200 तक की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और इनके पास जो थे थ्रेड वर्क में, वुडन में, और आप हर तरह की वैरायटी इनके पास जो थी अवेलेबल थी। तो अगर आप जंक ज्वेलरी के शौकीन हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पे जो सेल लगी थी 50 रुपीज़ ईच थी, लेकिन इनके पास जो भी टॉप थे वो यूज्ड लग रहे थे, और सारा इनका फैब्रिक जो था सिंथेटिक था। और ये भैया ने जीन्स लगा रखी थी, लेकिन ये भी जितनी भी जीन्स थी सब यूज्ड जीन्स लग रही थी ये भी। और यहाँ पे जो जीन्स मिल रही थी यहाँ पे 200 ईच की मिल रही थी, इनकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी जीन्स की। यहाँ पे जो भी माल मिलेगा आपको फ्रेश तो मिलेगा, उसके साथ साथ सरप्लस का माल और यूज्ड माल हर तरह का जो था आपको क्लोथ यहाँ पे मिलेंगे। अब उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ क्या लेनी है। और ये इनके पास ये टॉप जो था ये 450 का था,
और जैकेट्स काफी अच्छी लग रही थी, उनकी कॉस्ट 550 रुपीज थी। इन भैया के पास किड्स का कलेक्शन था और जिसमें किड्स के टॉप और लोअर थे जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ थी, और जो दूसरे साइड थे उसमें 150 थे। वो थोड़े फैंसी थे, लेकिन इनके पास जो भी कलेक्शन था वो समर कलेक्शन था, और ये जो सामान था ये सारा फ्रेश ही था। और यहाँ पर जो थी स्कर्ट का स्टोर लगा हुआ था जिसमें 200 की कॉस्ट थी, और जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जो स्कर्ट थी वो यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ पे मीडियम साइज़ भी अवेलेबल था, यानी आपको यहाँ पे 200 में हर तरह की स्कर्ट मिल जाएगी। यहाँ पे ग्रिफ्टी लाइन में अंदर एंटर करते ही जो शॉप थी वहाँ पर उनके पास वाइट कलर के टॉप अवेलेबल होते हैं, और इसमें जो नीचे ब्लू वाले के साथ है इसकी कॉस्ट 350 है, और जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं उसकी कॉस्ट 250 रुपीज़ है, और ये कॉटन में है। ये भैया बिक्सी की वाली लेन में होते हैं, इनके पास 100 रुपीज़ के टॉप थे, और ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ था 100 रुपीज़ का। इनके पास जो थी जेंट्स टी शर्ट थी, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन थे इनके पास, और कलर भी डिफरेंट थे, और स्टफ भी इनका जो था वो भी ठीक लग रहा था। और कुछ आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप देखिए लाइनिंग में थे, वैसे प्रिंट था, कलर भी अच्छे लग रहे थे। Thank you.
₹100। आइए इधर देखिए, 100-100 रुपए में कोई भी कुर्ती देखो, 100 रुपए में। यहाँ पे आपको 100 रुपीज के 3 टॉप जिसमें शर्ट स्कर्ट प्लाजो सब मिक्स था, 100 रुपीज के 4 पीसेस भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने वो कवर नहीं किए क्योंकि वो एक तो यूज्ड भी थे, उनकी क्वालिटी बिल्कुल पुअर थी, और यहाँ पे 150 रुपीज के आपको स्लीपर भी मिल रहे थे। भैया ये वाइफ से है ना, ₹50 देना है। आइए देखिए इधर, 100-100 रुपए में कोई भी कुर्ती देखो, 100 रुपए। और ये वाले कितने के हैं, स्टोन वाले? ये स्टोन वाला 850 वाले, ये 850, इसमें ये वाला 1500 1200। ये वाले कितने का देना है? हाँ बस मुझे यहाँ पर जितनी भी डेकोर आइटम्स थे वो काफ़ी कॉस्टली लगे से, तो ऑनलाइन जो है वो आपको रिजनेबल रेट पर मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ के रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। कैसे ट्रेगा सर? और ये वाला, ये वाला भी? ये कैसे दिए भैया, ये कैसे दिए? 250 रुपए। और ये वाले सबके अलग अलग रेट है क्या? ये 500। भैया बुद्धा कितने के दिए हैं? फेस, ये बुद्धा फेस हाँ 850 का, बड़ा महंगा बता रहे भैया आप तो। ये वाले 250 वाले महंगा बता रहे भैया आप तो। और वो जो बुद्धा लेटे हुए हैं बुद्धा जी, वो जो लेटे हुए हैं मुझे पता है, ये इतना महंगा नहीं है।
है कोट, ये मैम 350 का है। और ये भी सेम 350 का। और ये 950। हाइट क्या इसकी? हाइट फूल है। और ये इसका भी सेम ही है। सबसे कलर का पसंद है, वो पॉलिश का फर्क है। ये महंगा है, 350 का ब्लू वाला है। 300 से बोल रहे हैं इसके, उसके 350 उसके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है या आपको लगता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव है या आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक भी कीजिएगा। बाय।